प्रीवियस जो हमने दो लेक्चर हमारे डाइवर्सिटी से हो चुके हैं, एनिमल डाइवर्सिटी से, पहला क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, उन्हीं से ही हमने जो है ये क्वेश्चन जो है मैंने बनाए हैं और आज आपका उनमें से टेस्ट है ताकि आप अपनी असेसमेंट खुद कर सकें। तो काइंडली मैं आपको जो है आपसे शेयर करती चलूँ, आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपके पास जो है कॉपी पेंसिल होना चाहिए स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन, और दूसरा ये कि काइंडली जब आप स्टार्ट करने लगें अपने क्वेश्चन के, मैं जब बोलती जाऊंगी क्वेश्चन और साथ साथ उसके ऑप्शन देती जाऊंगी, तो आपने जो उनके आंसर हैं वो अपने कॉपी पे ही लिखने हैं। उस दौरान आपने काइंडली अवॉइड करना है चैटिंग से, आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नहीं लिखना। इसके अलावा भी कुछ जो है वो इंस्ट्रक्शन है पीपीएससी के एग्ज़ाम के हवाले से कि कुछ चंद बातों का आपने ख्याल करना है टेस्ट स्टार्ट करने से पहले। पहली बात तो ये है कि ये जो टेस्ट होता है ये सिर्फ जो है वो जहानत का या हार्ड वर्किंग का नहीं होता, बल्कि उसमें एक और चीज़ भी होती है कि उस टाइम आप कितने जो है वो अपने दिमाग को हाजिर करके बैठे हुए हो, यानी आप कंफ्यूज तो नहीं है, तो कॉन्फिडेंट रहना है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि जब आप स्टार्ट करें तो लेड पेंसिल याद से आपने लेके जानी है। आपके सामने टेस्ट होगा, आप उसको जो है पेपर होगा, आप उसको पहले क्वेश्चन से लेकर एंड तक आपने सीक्वेंस के साथ उसको तसल्ली के साथ बैठ के पढ़ना है, और उससे ये होगा कि साथ साथ ही जो आपको लग रहे होंगे कि ये क्वेश्चन मुझे आते हैं, लेड पेंसिल उठानी है और उसके सर्कल में डॉट डालते जाना है, और रुकना नहीं है आपने। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बैठ जाना कोई लेके कि जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो और टाइम टेकिंग हो, तो वो आपने बाद में ये सोचना है, ये इसलिए रख लेना है कि वो मैं बाद में कर लूँगी या कर लूँगा। तो वो क्वेश्चन जो है आपके काफ़ी सारे होते जाएंगे और वो यकीन माने वो बहुत कम टाइम में आपके हो जाएंगे, और आपका टाइम अभी बहुत सारा पड़ा होगा और आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे कि मैंने तो अब काफ़ी सारे कर लिए, क्योंकि 90 मिनट होते हैं और 100 जो है ये टोटल क्वेश्चन होते हैं, तो 1 मिनट से कम जो है वो एक क्वेश्चन को आपने देना होता है। तो जब आप ये तरीका फॉलो करेंगे तो आपने कोई 40-50 के करीब ऐसे क्वेश्चन कर लिए होंगे जो आपको आते होंगे। उसके बाद आपने वो वाले क्वेश्चन करने हैं जिसमें आपको लग रहा होगा कि ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं आ सकते ना, दो ऑप्शन जो है ये आएंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शन है और ये दो तो बिल्कुल ही नहीं आते, तो वो क्वेश्चन भी कर लेने हैं। वो भी अब जब कर लेंगे तो फिर उसके बाद वो क्वेश्चन करने हैं आपने जो टाइम टेकिंग है, जो आपके लिए कन्फ्यूजिंग थे और वो आपने बाद में ये रख लिए कि ये तो मैं बाद में करूँगी या मैं बाद में ये कर लूँगा, तो फिर वो आपने बैठ के करने हैं। अब आपके पास टाइम भी होगा, तसल्ली से आप वो कीजिएगा, और एक बात का ख्याल रखना है कि आपने वो क्वेश्चन जो है नहीं टच करने जिनका बिल्कुल ही आपको आइडिया नहीं है कि ये कैसे हैं, ये किस तरह के हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है कौन सा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो जैसे सर अदनान ने भी आपको बताया कि 0.25% है, कि आपने 4 क्वेश्चन जो है ठीक किए हुए हैं तो आपका 5वां गलत है, तो आपका उससे जो है जो ठीक क्वेश्चन है उनमें से भी गलत हो जाएगा, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मेरा ख्याल है अब आपने कॉपी पेंसिल जो है वो अपने हाथ में ले ली है और अपने आप को बिल्कुल रेडी भी कर लिया है, तो बढ़ते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। 1 by 1 मैं जो है उसको क्वेश्चन को बोलूँगी, साथ में उसके ऑप्शन भी बोलूँगी और आपको टाइम भी दूंगी कि आप उसके जो है वो आंसर अपनी कॉपी पे लिख सको। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, रॉबर्ट वाइटेकर प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ड्यूरिंग द ईयर, कौन कौन से? ए पे 1969, बी 1869, सी 1916, डी 1971। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किनकी बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है?
ए पे है प्लेटीहेलमिंथीज, बी पे मॉलस्क, सी पे स्पॉन्ज, डी पे आर्थ्रोपोड। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन प्रोटोजोआ। ए पे है फोटोसिंथेटिक, बी होलोजोइक, सी सेप्रोजोइक, डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर फोर, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इंक्लूड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, बी इंटरनल सेगमेंटेशन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ देम। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, द प्रोटोजोन काजिंग एमीबिक डिजेंट्री इज। ए पे प्लाज्मोडियम विवेक्स, बी टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, सी एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, डी पे प्लाज्मोडियम ओवेल। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मॉडिफिकेशन ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वर प्रेजेंटेड बाय लीन मार्गुलस एंड अर्नेस्ट हेकल, रॉबर्ट वेटिकर, सी पे कार्लेन शिवार्ड्स, डी पे अरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर सेवन है, इन 1861 जॉन हॉग प्रपोज्ड किंगडम प्रोटिस्टा फॉर, यानी जॉन हॉग इन 1861 जॉन हॉग प्रपोज्ड किंगडम प्रोटोक्टिस्टा फॉर। ऑप्शन बताने हैं कौन सा है, वायरस ओनली, बैक्टीरिया ओनली, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या फिर अमीबा। क्वेश्चन नंबर एट है, इन ह्यूमन ट्राइपैनोसोमा, इन ह्यूमन ट्राइपैनोसोमा इज अ पैरासाइट ऑफ। ए पे है दी स्प्लीन, बी पे है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सी पे ब्लड और डी पे ऑल ऑफ दीज। मैं फिर से कहती जाऊं आपको कि आपने अपने ऑप्शन जो है, जो सही ऑप्शन है जो आपको लगे, वो आपने कॉपी पे देना है। आपने चैटिंग में जो है वो वहाँ नहीं जाना, तो आपने यहाँ पे अपनी कॉपी पे लिखना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, कि ऑर्गन लेवल जो है वो किस में देखा गया सबसे पहले। ए पे आर्थ्रोपोड, बी पे रेप्टाइल्स, सी एनिलिड्स, डी प्लेटीहेलमिंथीज।
क्वेश्चन नंबर 10, पाइनियर ऑफ क्लासिफिकेशन वाज लीनियस, बी पे अरिस्टोटल, सी ऑप्शन है विटेकर और डी हैकल। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज डज नॉट हैव कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। ए पे है आर्सिला, बी पे योग्लिना, सी एंटामीबा हिस्टोलाइटिका और डी पे पैरामेशियम। क्वेश्चन नंबर 12 है, द ओनली ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। ऑप्शन में फ्लैटवर्म्स, बी सेलेंट्रेट, सी पोरिफेरा, डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एपी कॉम्प्लेक्सन बिकम इन्फेक्शियस एट विच स्टेज। ट्रोपोजॉइट पे, ओसाइट्स पे, मीरोजॉइट्स, स्पोरोजॉइट्स, ये आपने ऑप्शन में से बताना है के ट्रोपोजॉइट है, ओसाइट है, मीरोजॉइट है या फिर स्पोरोजॉइट है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दीज इज एसोसिएटेड विद जीनस योग्लिना। में से कौन सा है जो योग्लिना के साथ एसोसिएटेड है, पेलिकल है या वो फ्लेजेला है, सी पे या फिर वो आईस्पॉट, डी नन ऑफ दीज। ए पेलिकल, बी फ्लेजेला, सी आईस्पॉट, डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15, विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंटेन ऑल अदर लिस्टेड हियर। विच टैक्सोनॉमिक category contains all other listed here, family, genus, species, class। A पे है family, B पे genus, C पे species और D पे class। क्वेश्चन नंबर 16, कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। ए पे है लेवेन, बी गॉल्जी, सी रोनाल्ड रॉस, डी पे ग्रासी। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं।
Question number 17. In 1938, Herbert Copland elevated the prokaryote to which status? किस स्टेटस में जो है वो एलिवेट किया? ए पे है डोमेन, बी फाइलम, सी जीनस, डी किंगडम. क्वेश्चन नंबर 18. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज आल्सो नोन एज क्लासिफिकेशन सिस्टम, लीनियर सिस्टम, ऑप्शन सी में है जेनरा सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी वाला नन ऑफ दीज. अगला क्वेश्चन है, कैरोलस लीनियस पब्लिश द नेमिंग लिस्ट ऑफ प्लांट ड्यूरिंग द ईयर 1758, 1858, 1753, 1853. क्वेश्चन नंबर 20. आंट है विच टाइप ऑफ क्लीवेज, जो एंट्स हैं उनमें कौन सा क्लीवेज का पैटर्न है? क्या वो डिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट है, स्पाइरल है, या बोथ ए एंड सी? आगे है जी, प्रोटोजोन आर एनिमल लाइक बिकॉज दे आर मोटाइल एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, ये ऑप्शन ए है, या फिर आर फोटोसिंथेटिक एंड सम इंजेस्ट देयर फूड, सी पे है लैक सेल वॉल, और डी पे है ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. Question number 22. Contractile vacuole is responsible for option A thermoregulation, B osmoregulation, C removal of waste, D both B and C. अगला क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट वर सजेस्टेड बाय ऑप्शन ए ई चैटन, बी पे अर्नेस्ट हेकल, या फिर रॉबर्ट ब्राउन, डी पे रॉबर्ट वाइटिकर. Question number 24. In 18th century, nomenclature was first proposed by option A, Carolus Linnaeus, B, Robert Brown, C, Haeckel, Ernest Haeckel, D, Lane Margulis. Question number 25. Radially symmetrical animal is, yani kaun se animal hai jo radial symmetry rakhte hai? Option A mein hai hydra, B sponge, C amoeba, D frog.
Question number 26. Phylogeny represent the history of an organism. क्या वो evolutionary history है या heterozygous है या दोनों ही है, both A and B, या फिर none of these, D पे. Question number 27. The goal of systematic studies is to arrange animal into monophyletic group, B pe polyphyletic group, C pe paraphyletic group. Monophyletic hain, polyphyletic hain, ya phir paraphyletic hain. Question number 28. Transmission of trypanosoma is mediated by A. sandfly, B. mayfly, C. dragonfly, ya phir C. seafly. Next, in five kingdom classification, prokaryotes are classified in the kingdom A pe fungi, B pe protista, C planti, ya phir D pe monera. Ke prokaryotes jo hai wo kaun si kingdom mein classified hote hain, fungi mein, protista mein, planti mein ya phir monera mein. Question number 30. A taxon is option hai, a formal grouping at any given level. B pe a clade. C hai a group of species. Ya phir a formal grouping at any level from phylum to species. थर्टी वन पे हमारा क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है. ए पे है स्पोरोजोन, बी एपिकॉम्प्लेक्सेन, सी एक्टिनोपोडा, या फिर डी हेलीजोन. Question number 32. In a phylogenetic tree, two closely related species indicate their option hai close association, B pe common ancestor, C similar characteristic, D pe distant association. Next. Asymmetrical organism is A pe hydra, B pe sponge, C sea anemone, D frog. Asymmetry kin organism ki hai, hydra ki hai, sponge ki hai, sea anemone ki hai, ya phir frog ki. Next question hai, if an animal has no central axis, it comes under the category of
वो सिमेट्रिकल में आएगा, एसिमेट्रिकल में आएगा, रेडियल सिमेट्री में या फिर बायलेटरल सिमेट्रिकल, उसकी कौन सी सिमेट्री होगी वो आपने बतानी है। फिर से ऑप्शन बता देती हूँ, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। सॉरी 35 पे रिप्रोडक्शन इन सीलिएट्स अकर थ्रू, यानी इनकी रिप्रोडक्शन किससे होती है, ए पे माइक्रो न्यूक्लियाई, बी पे मैक्रो न्यूक्लियाई, सी पे टेस्ट, डी पे रेडियल केनाल। क्वेश्चन नंबर 36, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम वीवैक्स या फिर टॉक्सोप्लाज्मा गोनिडी, प्लाज्मोडियम ओवेल या फिर नन ऑफ देम। नेक्स्ट, एसिलोमेट डू नॉट हैव बॉडी कैविटी बिकॉज मास कंप्लीटली फिल बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड एपिडर्मस, यानी इनके डाइजेस्टिव ट्रैक और एपिडर्मस के दरमियान किसका मास है एसिलोमेट में, ए पे एक्टोडर्मल, बी एंडोडर्मल, सी मीजोडर्मल और डी पे नर्वस। क्वेश्चन नंबर 38, डिजीज कॉज्ड बाय ट्राइपैनोसोमा इज, ऑप्शन में अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, येलो फीवर, सी पे डायरिया, डी पे टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 39, इन प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल मीरोजोइट्स आर फॉर्म्ड इन, ऑप्शन है जी रेड ब्लड सेल, ए पे, बी लीवर, सी स्प्लीन, डी मॉस्किटो गट। क्वेश्चन नंबर 40, इट इज एक्सक्लूसिवली अ पैरासाइट ग्रुप, इनमें से कौन सा है जो एक्सक्लूसिवली पैरासाइट है, क्या वो सीलिएटा है, मेस्टिगोफोरा है, स्पोरोजोआ है या नन ऑफ देम है। ए पे सीलिएटा, बी मेस्टिगोफोरा, सी स्पोरोजोआ, डी नन ऑफ देम। नेक्स्ट, द डिवेलपमेंट ऑफ सीलोम इन एन एनिमल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद, यानी सीलोम की डिवेलपमेंट किसके साथ एसोसिएटेड होती है, ए पे है बायलेटरल सिमेट्री, बी पे एसिमेट्री, सी पे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन और डी पे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। Question number 42, सीलोम इज फॉर्म्ड बिटवीन टू लेयर ऑफ, किन दो लेयर के दरमियान सीलोम बनती है, क्या वो एक्टोडर्म है या वो एंडोडर्म है, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी का मीजोडर्म है या फिर डी का मिजोग्लिया। फोर्टी थ्री में
हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन इज अ पैरासाइट ऑफ सिल्क वॉर्म? ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, और ये मैंने ये भी असेस करना है कि आपने लेक्चर ही लिया है या बुक्स को भी पढ़ा है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन इज अ पैरासाइट ऑफ सिल्क वॉर्म? ऑप्शन ए है क्रिप्टोपोरिडियम, बी पे नोजीमा एपिस, सी पे नोजीमा बम्बिकस और डी पे गायर्डिया. फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्रिप्टोपोरिडियम है, नोजीमा एपिस है, नोजीमा बम्बिकस है या फिर गायर्डिया है. क्वेश्चन नंबर 44, चलें आप इस पे थोड़ा सा और टाइम ले लें, सोच समझ के लगा लें. क्वेश्चन नंबर 44, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इंक्लूड्स. ऑप्शन ए पे है जी एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, बी पे है इंटरनल सेगमेंटेशन, सी पे है बोथ ए एंड बी और डी पे है नन ऑफ देम. नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर है हमारा 45, वाटर एंटर इनटू अमीबा थ्रू द प्रोसेस ऑफ. कौन से प्रोसेस से एंटर होता है? ऑप्शन ए है ऑस्मोसिस, बी पे कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, सी सेंट्रियोल्स और डी सुडोपोडिया. ऑस्मोसिस है, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है, सेंट्रियोल है या फिर सुडोपोडिया है. अगला क्वेश्चन हम उसकी तरफ बढ़ते हैं. टेस्ट ऑफ एक्टिनोपोर्ट इज मेड अप ऑफ. जो हॉल है एक्टिनोपोर्ट का, जो उसका शेल है, वो किससे बना है? ए पे सिलिकॉन, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम फॉस्फेट, डी नन ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मल्टी सेलुलर स्टेज? क्या वो वॉल्वक्स है, या ऑप्शन बी वाला ठीक है पैरामिशियम, या फिर वो अमीबा है, या डी पे स्लाइम मोल्ड है. वॉल्वक्स है, पैरामिशियम, अमीबा या स्लाइम मोल्ड. क्वेश्चन नंबर 48, हैव मोर देन टू सेंट्रल प्लेन. कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनके दो से ज्यादा सेंट्रल प्लेन हैं? ऑप्शन है हमारे पास जी पोरीफिरा, ए पे ऑप्शन बी, बी में कौन सा ऑप्शन है एनिलिड्स, सी में सेलेंट्रेट्स और डी में पैराजोन्स. फिर से देख लें अगर स्लाइड में कुछ आपका मिस हो गया हो. लास्ट के हमारे दो क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हैं. क्वेश्चन नंबर 49, पेरोजाइमस टर्शियन मलेरिया इज कॉज्ड बाय. कॉजेटिव एजेंट कौन से हैं? ए पे है पी फेल्सीपेरियम, बी पी वेवेक्स,
सी पी मलेरिया, मलेरी पी मलेरी, या फिर डी पे पी ओवेल। क्वेश्चन नंबर 50। जेंट अमीबा ऑब्टेन एनर्जी थ्रू, क्या वो फोटोसिंथेसिस से लेता है, बी है जी साइनो बैक्टीरिया इससे लेता है, या फिर वो सी मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया से लेता है, या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों ही है, यानी फोटोसिंथेसिस, साइनो बैक्टीरिया, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया, या बोथ ए एंड बी। आप अपने रिजल्ट जो है वो चेक कर लें और मैं उतनी देर में कुछ करेक्शन कर दूं नेगेटिव मार्किंग के हवाले से, कि जो मैंने बोला था 0.25% है, उसका मतलब ये है कि चार अगर आपने गलत किए हैं क्वेश्चन, तो पांचवा सही भी आपका गलत हो जाएगा, यानी हर चार के बाद पांचवा सही भी आपका गलत हो जाएगा। ये आपके पीपीएससी के एग्जाम के हवाले से बात कर रही हूँ, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। तो जल्दी में मैंने शायद आपको सही नहीं बताया, तो अगर आपके 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपने गलत किए हैं, लगातार आपने किए हैं, या वैसे 4 क्वेश्चन किए हैं गलत, तो पांचवा सही भी होगा तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि आप एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग से अगर अवॉइड करना है तो आप उन क्वेश्चन से अवॉइड करें जो आपको नहीं आते, और वो बहुत थोड़े से होंगे इंशाल्लाह, या होंगे ही नहीं। चलते हैं जी, अपने फिर से हम स्टार्ट में, और मैं जो है आंसर बोलती हूँ, आप कंपेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो ए है। रॉबर्ट वाइटेकर ने प्रपोज कब किया, 1969 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग है सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे सिंपलेस्ट लेवल इन चारों में से हमारे पास कौन सी है, स्पॉन्ज, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन प्रोटोजोआ। अब जैसे मैंने कहा था कि जल्दबाजी आप करते हैं और उस टाइम ये यहाँ तो आप चले, आपका ये टेस्ट है, हम जो है वो जस्ट आपकी तैयारी के लिए ले रहे हैं, तो बाजू का आप ए को लगा देते हो बी को, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि फोटोसिंथेटिक, होलोजोइक, सेप्रोजोइक, ये सारी कुछ हैं, तो ऑल ऑफ दीज कौन सी आएंगी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इंक्लूड, इसका ऑप्शन है एक्सटर्नल भी है इंटरनल भी है, तो बोथ ए एंड बी, कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का, द प्रोटोजोन काजिंग एमोबिक डिजेंट्री इज, तो ये डायरिया की बड़ी बिगड़ी हुई फॉर्म है, तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सी, अमीबा एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, मॉडिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने प्रपोज की, मार्गुलस के साथ, ये ऑप्शन सी, कार्लेन श्रीवाट्स ने। क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो होगा आंसर, इन 1861 जॉन हॉग प्रपोज किंगडम प्रोटोक्टिस्टा फार, किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, इन ह्यूमन ट्राइपैनोसोमा इज अ पैरासाइट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बी आएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, किसमें ऑर्गन लेवल हम देखा गया सबसे पहले, तो वो ऑप्शन डी आएगा, प्लेटिहेलमिंथिस। 10 का जी, पाइनियर ऑफ क्लासिफिकेशन वाज, ये ऑप्शन बी है, अरिस्टोटल।
11 पे है, विच ऑफ दीज डज नॉट हैव कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, तो इनमें से कौन से हैं जिनके बिल्कुल भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होता, वो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है, ऑप्शन सी. और क्वेश्चन नंबर 12, द ओनली ग्रुप ऑफ एनिमल विच आर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, फ्लैट वर्म है, सेलेंट्रेट है, पोरीफिरा है, या नन ऑफ दीज, तो उसमें सेलेंट्रेट होंगे, बी, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 13, एपिकॉम्प्लेक्सन बिकम इन्फेक्शियस एट विच स्टेज, तो वो मीरोजॉइट की स्टेज पे, जो प्लाज्मोडियम या एपिकॉम्प्लेक्सन है वो मीरोजॉइट की स्टेज पे जो है वो इन्फेक्शन काज करते हैं, तो इसका ऑप्शन सी होगा. 14 का, विच ऑफ दीज इज एसोसिएटेड विद जीनस यूग्लिना, कौन से यूग्लिना यानी फ्लेजेला रखते हैं, ऑप्शन बी होगा जी इसका. 15 का, विच टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर कॉन्टेन ऑल अदर लिस्टेड हेयर, यानी कौन से ऐसे हैं इनमें से, कौन सा ऐसा टैक्सोन है जो बाकी कैटेगरी को भी अपने अंदर ले लेता है, तो वो सारे इन सब में से अगर आप देखें तो बड़ी क्या है क्लास, तो वो क्लास में ये सारी चीज़ें आएंगी, फैमिली भी आएगी, जीनस भी आएगी, स्पीशी भी आएगी, तो डी पे है जी क्लास. ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, तो हाजिर दिमागी का क्वेश्चन था, तो इसको इसका आंसर जो है वो क्लास है. 16 का, कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो 16 का क्या ऑप्शन है इसका, ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस, सी, क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 17, इन 1938 हर्बर्ट कॉपलैंड एलिवेटेड द प्रोकैरियोट्स टू, किसमें रखा, किंगडम में, इसका सी, सॉरी लास्ट वाला डी ऑप्शन है, किंगडम. 18 का, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज आल्सो नोन एज लीनियर सिस्टम, बी ऑप्शन. 19वां, कैरोलस लीनियस ने कब पब्लिश किया प्लांट का, वो किया था उसने 1753, यानी के सी. एनिमल का उसने 58 में किया था, यहाँ प्लांट का पूछा है, तो 1753 ऑप्शन सी. 20, आंट हैव टाइप ऑफ क्लीवेज, आंट प्रोटोस्टोम में आती है, प्रोटोस्टोम की कौन कौन सी क्लीवेज है, स्पाइरल भी है और डिटर्मिनेट भी है, डिटर्मिनेट भी है और स्पाइरल भी है, हाँ जी, तो ये ऑप्शन आएगा डी. नेक्स्ट 21, प्रोटोजोआ आर एनिमल लाइक बिकॉज दे, अब देखें, आर मोटाइल एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, मोस्टली मोटाइल है प्रोटोजोआ, तो ये नहीं होगा. आर फोटोसिंथेटिक एंड सम इंजेस्ट देयर फूड, अगर ये एनिमल की तरह है तो फोटोसिंथेटिक नहीं होंगे. ऑल दीज आर करेक्ट, ये भी नहीं है, तो इनमें सेल वॉल नहीं होती, लैक सेल वॉल. नेक्स्ट है जी 22, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी एक्सक्रीशन भी करता है, ऑस्मोरेगुलेशन भी करता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी एंड सी, यानी के लास्ट का डी ऑप्शन. 23 पे है, द टर्म ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट वर सजेस्टेड बाय, इसका ऑप्शन है ए, ईचेटन. 24 क्वेश्चन में क्या है जी, इन 18th सेंचुरी नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, किसने किया, कैरोलस लीनियस ने, बहुत इजी था इसका आंसर, ऑप्शन ए था. नेक्स्ट चलते हैं 25 का, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल कौन से हैं, किन में रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री नेडेरियन से शुरू होती है, और नेडेरियन में यहाँ आप देख लें हाइड्रा है, तो ऑप्शन ए होगा. 26 पे, फाइलोजनी रिप्रेजेंट द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो ऑप्शन ए. 27 पे, द गोल ऑफ सिस्टमैटिक स्टडीज टू अरेंज एनिमल, हमारी कोशिश ये है कि साइंटिस्ट की, कि वो किस कैसे अरेंज करें, वो मोनोफाइलेटिक ग्रुप को अरेंज करें सबसे पहले, तो ऑप्शन होगा ए. 28 का, ट्रांसमिशन ऑफ ट्राइपैनोसोमा इज मेडिएटेड बाय, ये ए डी वाला इसका ऑप्शन होगा, सी सी फ्लाई, इसको टिसी टिसी फ्लाई भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे सीसी फ्लाई जो है कॉमनली पढ़ते हैं, तो डी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है. 29 क्वेश्चन,
इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट आर क्लासिफाइड इन द किंगडम. प्रोकैरियोट्स को किस में रखा जाता है? मोनीरा में. डी तो लास्ट वाला ऑप्शन आएगा इसमें, मोनीरा. 30 पे अ टैक्सोन इज, इसका ऑप्शन भी डी आएगा, फॉर्मल ग्रुपिंग एट एनी लेवल फ्रॉम फाइलम टू स्पीशी, लास्ट का ऑप्शन. 31 का है जी, पहले पढ़ लेते हैं, प्लाज्मोडियम बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है प्लाज्मोडियम? एपी कॉम्प्लेक्सन से करता है, तो इसका बी ऑप्शन आएगा, एपी कॉम्प्लेक्सन. 32 क्वेश्चन, इन अ फाइलोजेनेटिक ट्री टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशी इंडिकेट देयर कॉमन इंसेस्टर. ऑप्शन बी, सेकेंड ऑप्शन, कॉमन इंसेस्टर. 33 क्वेश्चन क्या है, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? अभी जिनकी सिमेट्री ही नहीं है तो वो कौन होंगे? वो स्पॉन्ज होंगे, बी ऑप्शन. 34 का है, इफ एन एनिमल हैज नो सेंट्रल एक्सिस, अगर वो सेंट्रल एक्सिस नहीं रखता तो वो डेफिनेटली क्या होगा? एसिमेट्रिकल. 35 पे है, रिप्रोडक्शन इन सीलिएट्स अकर थ्रू, सीलिएट्स की रिप्रोडक्शन यानी पैरामेशियम टाइप जो है इनकी, इस तरह के और ऑर्गेनिज्म जो सीलिया रखते हैं, इनकी किसके थ्रू होगी? वो माइक्रोन्यूक्लियाई के थ्रू होगी. क्वेश्चन नंबर 36, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, स्लीपिंग सिकनेस होती ट्राइपैनोसोमा से है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो डी होगा, नन ऑफ देम. 35 का ए, 36 का डी ऑप्शन है. नेक्स्ट 37 का क्या है, एसिलोमे डू नॉट हैव बॉडी कैविटी बिकॉज मास कंप्लीटली फिल बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी कि इनके एक्टोडर्म और एंडोडर्म में किसका मास होता है? मेसोडर्मल सेल से घिरे होते हैं, कोई कैविटी नहीं होती, इसलिए ये एसिलोमेट हैं, तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी, मेसोडर्मल सेल. 38 का, डिजीज काज बाय ट्राइपैनोसोमाइज, ऑप्शन ए, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. 39 पे, इन प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल मीरोजॉइट्स आर फॉर्म्ड इन रेड ब्लड सेल, तो इसका आंसर ए होगा. क्वेश्चन नंबर 40, इट इज एक्सक्लूसिवली अ पैरासाइट ग्रुप, वो मैंने भी बताया था आपको, स्पोरोजोन. स्पोरोजोन जो है वो एक्सक्लूसिवली पैरासाइट है. 41 की क्वेश्चन की तरफ आते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ सीलोम इन एन एनिमल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ, सीलोम की एसोसिएशन किसके साथ है? बायलेटरल सिमेट्री के साथ है, एसिमेट्री के साथ है, डिप्लोब्लास्टिक के साथ है, या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ? तो अमूमन सिलोम की फॉर्मेशन जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म से ही स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन में जो सही हमारा आंसर है वो डी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. 42 बहुत आसान, सिलोम जो प्रॉपर सिलोम की बात हो रही है इज फॉर्म्ड बिटवीन टू लेयर, वो हमें पता है मेसोडर्म की दो लेयर के दरमियान, तो ये आपको भी यकीनन इसका पता होगा, तो ऑप्शन सी इसका आएगा. 43 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन इज पैरासाइट ऑफ सिल्क वर्म, कौन सा जी पैरासाइट है सिल्क वर्म का? ऑप्शन सी है, नोजीमा बम्बिकस. क्वेश्चन नंबर 44, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इंक्लूड्स, एक्सटर्नल भी है इंटरनल भी है, तो इसका क्या होगा? बोथ ए एंड बी. 45 पे, वाटर एंटर इनटू अमीबा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए, ऑस्मोसिस के थ्रू होगी. 46 पे, टेस्ट ऑफ एक्टिनोपोड इज मेड अप ऑफ, इनका शेल किससे बना हुआ है एक्टिनोपोड का? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ बना हुआ है, तो बी ऑप्शन होगा, ठीक. 47 क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मल्टीसेलुलर स्टेज, कौन सी मल्टीसेलुलर स्टेज रखते हैं लाइफ साइकिल में? तो वॉलवॉक्स, पैरामेशियम, अमीबा, स्लाइम मोल्ड, तो ये स्लाइम मोल्ड आएगा.
48 पे हैव मोर देन टू सेंट्रल प्लेन. कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके दो से ज्यादा सेंट्रल प्लेन है? तो वो जाहिर है रेडियल सिमेट्रिकल होंगे. अब हमने यहाँ से ढूंढना है कि वो रेडियल सिमेट्रिकल कौन से हैं. वो सेलेंट्रेट हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? सी. और लास्ट के जो दो पैरोजाइमस टर्शियन मलेरिया इसकास बाय, ये अजीब सा जरूर लगता है लेकिन इसी क्वेश्चन में आंसर इसका छुपा हुआ है कि मलेरिया है तो जाहिर है वो पी मलेरी से होगा, यानी इसका ऑप्शन है सी. सॉरी, इसकी थोड़ी इंटरप्शन हो गई. फिफ्टी पे जेंट अमीबा ऑब्टेन्ड एनर्जी थ्रू, लास्ट वाला जी किससे लेते हैं? वो मेथानोजेनिक बैक्टीरिया से लेते हैं, तो ऑप्शन होगा सी. अब आपने अपने काउंट कर लेने हैं कि कितने ठीक हैं, और ईमानदारी के साथ जो है शेयर करते जाना है. आपकी इससे वेल असेसमेंट होगी और आपको भी आइडिया हो जाएगा कि आपको मज़ीद कितनी तैयारी की ज़रूरत है. तो ये काइंडली अब आपने बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं.